जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, राम राम। अभी आप देख रहे हो जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, ये स्थान है अंजनेरी। और यहाँ पर जो है एक पर्वत है जिसे अंजनेरी पर्वत कहा जाता है। और ये वही स्थान है जहाँ पर पवन पुत्र हनुमान जी का जन्म हुआ था और आज भी यहाँ पर उनके पांवों के निशान मौजूद है। तो ये स्थान जो है अंजनेरी गांव के पास में पड़ता है, नासिक और त्र्यंबकेश्वर के बीच में। आज मैं आपको इस वीडियो में यहाँ की पूरी जानकारी दूंगा। अगर आप यहाँ पर आते हो तो आपको यहाँ का ट्रैक जो है तय करने में कितना समय लगता है और यहाँ का ट्रैक कैसा है, आपको कब यहाँ पर आना है और ऊपर क्या क्या चीजें हैं, पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा आपको आज के इस वीडियो में। तो वीडियो के अभी से लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखे। अगर आप बाइक लेके यहाँ पर नहीं आते हो तो आपको अंजनेरी गांव से यहाँ तक पैदल आना पड़ता है। उसके बाद यहाँ का जो ट्रैक है लगभग 3 किलोमीटर से ज्यादा बताते हैं, वो आपको तय करके ऊपर जाना। अभी आप यहाँ पे देख रहे हो, ये है यहाँ का पार्किंग एरिया और यहाँ से जो है चेक इन पॉइंट है। आपको यहाँ पर वन विभाग की एक टिकट लेनी पड़ेगी, पर पर्सन 30 रूपए है और यहाँ पर जो है 2 व्हीलर का पार्किंग चार्ज 20 रूपए है। तो दोस्तों, आज की मैं यात्रा जो है यहाँ से नींबू पानी पी के शुरू करता हूँ लगभग 11 बजे और मैं अभी यहाँ से यात्रा शुरू करता हूँ। गाइज, आप देख सकते हो ये हमारे आज के ट्रैक की पहली सीढ़ी है और यहाँ से हम ट्रैक शुरू करते हैं। आज अंजनेरी पर्वत पर माता अंजनी की भक्ति, हनुमान जी का जन्म स्थान और यहाँ पर ये बंदर देखने को मिलते हैं। काफी मात्रा में यहाँ पर जंगली बंदर रहते हैं, इनसे आप थोड़ा सावधान रहे और अपने पास जो भी सामान हो उसको अपने आगे लटका दे। यहाँ से जो है ये रेलिंग की सीढ़ियाँ शुरू हो जाती है और इसके सहारे हमें आगे की जो दूरी है साथ में मिलकर तय करते हैं। जैसे जैसे हम अंजनी पर्वत की तरफ आगे बढ़ेंगे, हमें बहुत ही ठंडी हवा का आभास होगा और हमारी थकान आगे आगे बढ़ती जाएगी। अभी हम उस जगह पर आ चुके हैं, यहाँ पर जो है श्री दिगंबर जैन तीर्थ स्थल पार्श्वनाथ भगवान की मूर्तियाँ हैं और यहाँ पर उनकी गुफा और मंदिर बना हुआ है। अंजनेरी की ये प्राचीन जैन दिगंबर गुफाएं दिखाता हूँ और यहाँ के दर्शन करते हैं। और इसमें एक कुंड बना हुआ है। गाइज, आप देख सकते हैं अभी मैं ऐसी जगह पे हूँ जहाँ पर ये चट्टान के बीच में से आगे रास्ता जाता है। बड़ा खूबसूरत यहाँ का नजारा है, लेकिन मेरी सांसें फूलती जा रही है और अभी भी यहाँ से काफी दूर है। यहाँ पर थोड़ा संभल के चलना है, पानी के साथ में चिकना डोरकी है तो स्लिप हो सकते हैं और यहाँ पर गिर सकते हैं, तो थोड़ा संभल के चल रहा हूँ मैं। जैसे जैसे आप ऊपर आओगे, आप लोगों को यहाँ पर पानी की बोतल, खाने को बिस्किट, नमकीन, नाश्ता, ये सब आपको स्टॉल यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो देखो मित्रों, यहाँ पे मुझे जो है ये कॉलेज के स्टूडेंट है। आप कब आए थे यहाँ पे? हम सुबह आए हैं 8 बजे। हाँ, अभी नीचे जा रहे हो वापस? हाँ। कहाँ से आए हो आप? ऊपर का। बड़ा अच्छा लगा ऊपर का ट्रैक आपको? हाँ, ऐसा पहली बार चढ़ा होगा आपने? हाँ। अच्छा, तो चलो बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। तो दोस्तों, अभी आप यहाँ पर देख रहे हो ये है अंजनी माता ध्यान मंदिर और कहते हैं कि यहाँ पर इस पर्वत पर अंजनी माता बैठ के तपस्या करते थे और ध्यान लगाते थे। इसी वजह से इस गांव का नाम अंजनेरी और पर्वत का नाम अंजनेरी पर्वत रखा गया है। और मंदिर में अंजनी माता की मूर्ति है, उनका आज भी यहाँ पर दीपक जलता है। बहुत ही खूबसूरत मंदिर है अंदर से और यहाँ पर प्राचीन मूर्तियां भी है। तो गाइज, आप देख रहे हो पीछे यहाँ पर था अंजनी माता का जो ध्यान मंदिर और अभी मैं यहाँ से जो है ऊपर के टॉप पॉइंट के लिए निकल रहा हूँ जहाँ पर मैं आपको हनुमान जी का जन्म स्थान दिखाऊंगा और ऊपर हमें जो है हनुमान जी के आज भी यहाँ पर पद चिन्ह देखने को मिलते हैं। अभी
अभी आप जो ये तालाब देख रहे हो इसे हनुमान तालाब कहते हैं और मान्यता ऐसी है कि ये जो है हनुमान जी का पांव है। जब वो बाल अवस्था में उन्होंने जो है सूर्य देव को निगलने के लिए जो छलांग लगाई थी तो इस जगह पर उनका पांव आज भी है। यहाँ से आपको इतना क्लियर नहीं दिख रहा होगा लेकिन मैं ऊपर माउंटेन पर जाके आप पूरा जो है सही नजारा दिखाऊंगा। आप देख सकते हो अभी यहाँ से आज के पड़ाव का जो है दूसरा ट्रैक शुरू हुआ है। ये जो आप सामने देख रहे हो ये वाला जो ट्रैक है हनुमान मंदिर जाता है और यहाँ से देख रहे हो आप अंजनी माता की गुफा यहाँ से 200 मीटर दूर है लेकिन यहाँ पे बहुत जंगल पड़ता है। तो पहले मैं ऊपर का ट्रैक पूरा करता हूँ। कुछ इस प्रकार से यहाँ का ट्रैक शुरू होता है। काफी लंबी सीढ़ियां बनी हुई है। अभी यहाँ से चढ़ना और मुश्किल हो रहा है। आगे जो लोग चल रहे हैं उनको भी आप देखो काफी थकान हो गई है उनको भी और मुझे भी यहाँ पर लंबी थकान हुई। गाइस देख सकते हो पसीना पसीना हो गया है। क्या हालत हुई है यहाँ से। यहाँ पर जो है तीन अलग अलग स्पॉट है और अभी मैं पहले स्पॉट पे खड़ा हूँ और नीचे देख सकते हो आप यहाँ से हनुमान जी के पद चिन्ह यहाँ पर अब थोड़ा अच्छे से विजिबल होगा लेकिन जो टॉप पॉइंट पे जाऊंगा तो वहां से एकदम आपको क्लियर दिखेगा कि बाल हनुमान के जो पद चिन्ह है वो यहीं पर है। जब हम टॉप पॉइंट पे पहुंच जाएंगे तो वहां का नजारा देखने में और भी मजा आएगा और वहां पर बहुत तेज ठंडी हवा भी चल रही होगी। यहाँ पर सेकंड टॉप पे पहुंच गया हूँ और यहाँ से जो है हनुमान जी के पद चिन्ह एकदम स्पष्ट दिखते हैं और ये जो है बाल हनुमान का पद चिन्ह है। अभी मैंने आज का ट्रैक पूरा कंप्लीट कर दिया है और अब मैं ऊपर आ गया हूँ। अब यहाँ से पूरा फ्लैट है और थोड़ा सा आगे चलने के बाद मंदिर है। जब आप अंजनी पर्वत की पूरी दूरी तय करते हैं तो ऊपर इस मॉनसून के सीजन में रंग बिरंगे फूल यहाँ पे देखने को मिलते हैं। आपको काफी खूबसूरत लगता है यहाँ का नजारा। यहाँ पर देख सकते हो आप ये है सियावर श्री रामचंद्र भगवान के भक्त हनुमान जी का जन्म स्थान। कहते हैं कि यहाँ पर हनुमान जी का जन्म हुआ था। पहले मैं आपको इस मंदिर में हनुमान जी के दर्शन करवाता हूँ। अभी मैं मंदिर के दर्शन करके आया हूँ और अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर जो है श्री राम भक्त हनुमान जी का जन्म स्थान है। कहते हैं कि यहाँ पर अंजनी माता ने 108 साल भगवान शिव की प्रार्थना की थी और शंकर भगवान प्रसन्न हुए थे तब जो है पवन पुत्र हनुमान जी का जन्म हुआ था। और इस मंदिर में ये पहला मंदिर है जहाँ तक मैंने देखा कि उनकी बाल अवस्था में यहाँ पर जो है मूर्ति स्थापित है। अंजनी माँ की गोद में वो विराजमान है और ये मंदिर काफी प्राचीन है। तो दोस्तों अभी आप देख सकते हो मैं मंदिर के पीछे आ चुका हूँ और यहाँ पर भी एक मंदिर बना हुआ है। ये भी काफी प्राचीन है और अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर मुझे आने में जो है ये ट्रैक तय करने में लगभग मुझे 2 घंटे लगे थे और अभी जो है दोपहर के 2 बज चुके हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर आने का सही समय क्या है। तो आप लोग जो है अगस्त से नवंबर के बीच में यहाँ पर कभी भी आ सकते हो। यहाँ पर बहुत ही अच्छा मौसम रहता है और मॉनसून के टाइम में यहाँ पर बादल भी रहते हैं और यहाँ पर ग्रीनरी भी बहुत अच्छी रहती है। हरी भरी और हरियाली के साथ में आपको अलग अलग फ्लेवर और फूल देखने को मिलते हैं और बहुत ही खूबसूरत नजारा रहता है यहाँ पर। जब भी आप आओ तो यहाँ पर आपको खाने की सारी सामग्री मिल जाती है तो आप आराम से निश्चिंत होकर इस ट्रैक को कर सकते हो। आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना क्योंकि मैं आपको इसी प्रकार की इस चैनल पर वीडियो देता रहता हूँ। तो कल फिर मिलता हूँ आपको एक नई वीडियो के साथ में। राम राम सा हर हर महादेव। जय श्री राम। जय बजरंगबली।